शहर शहर खाद की कमी से किसान परेशान हैं। बात महाराजगंज की करें तो यहां भी कम खाद होने की वजह से किसानों में काफी गुस्सा है। खाद की कमी के चलते खेती में प्रभाव पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि समय से डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते वो प्राइवेट दुकानदारों से ज्यादा दाम पर खाद लेने के लिए मजबूर है। लेकिन इस मामले में डीएम किसी ने तो वो बता रहे हैं कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। मैं कुंड शर्मा समिति पे खाद लेने आया था डीएपी, लेकिन नहीं मिलने की वजह से मैं यूरिया लिया हूँ और पोटास लिया हूँ और अब जा रहे हैं रामगढ़वा, वहाँ से जो है वो रामबाड़ खाद लाएंगे, उसी में मिला के डलवाएंगे। अब नहीं मिलने के नाते से हमको यूरिया और रामबाड़ लेना पड़ा है। अब समिति के लोग यही बता रहे हैं कि खाद न मिलने की वजह से जो है इस तरह की समस्या है। अगर खाद आएगा तो मिलेगा, अब खाद कब आएगा? अब हम लोग का खेती करने का समय है, अब खेत में जो है रोदी की नमी किए हैं, उसमें जो है नमी के बाद में हमको बुवाई का आवश्यकता है जरूर। कुछ शिकायतें प्राप्त होती हमें कि तस्करी हो रही है बॉर्डर एरिया में। इसके क्रम में हम लोग बहुत ही सजग हैं और सक्रियता से हम लोग काम कर रहे हैं। एसएसबी के साथ मिलकर हम लोग दबिश भी देते हैं और बहुत हद तक जो हमारी तस्करी की शिकायतें हैं वो कम भी हुई है। मैं आपके माध्यम से हमारे जनपद महाराजगंज के सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वो किसी भी रूमर मॉन्गरिंग को बढ़ावा ना दें और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जनपद में एनपीके और डीएपी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।